गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ परफेक्ट। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे सुन पा रहे हो बेटे? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सभी बच्चे बताएंगे क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? बाय राइटिंग वाई फॉर येस एंड फॉर नो। चलिए तो एक बार ही अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो भाई कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। चलिए जब तक सभी बच्चे आ रहे हैं तो मैं कुछ हम लोग बात कर लेते कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करी। और बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट दी ब्रांच। एक ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंसेज है अगर उनमें करंट सेम जा रहा है तो उन सभी रेजिस्टेंस को मैं एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड दैट इज नोन एज योर इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पर देखा था आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली गई थी जैसे जैसे हम सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। करंट सेम, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इधर देखा था हम लोगों ने पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली आर इक्विवेलेंट कम होता चला जाता था और स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जो भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता था उन पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में उससे भी कम वैल्यू आती थी। और पैरेलल में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी चीजें समझ में आई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या जल्दी बताइए बच्चों, फाइनल कॉल। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? सभी बच्चे और आप लोगों की अटेंडेंस बेसिकली जो भी आप लोग मैसेज करेंगे प्लीज मेक श्योर आप अपने नाम से करें, प्लीज मेक श्योर आप अपने नाम से करें। इन केस किसी दूसरे की आईडी से बैठो तो आप मुझे रिकमेंड कर देंगे सर दिस इज दिस, जो भी बंदा बैठा हुआ है। हाँ चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या बोला गया। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक भी समझने वाले हम लोग। मान लो आज की क्लास का एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोला गया है बच्चों, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है। छोटी छोटी बातें समझेंगे बच्चों जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपैक्टफुल रहने वाली है। देखिए बच्चों, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सभी वैल्यू हम लोगों ने आर ओम की मान ली, सभी वैल्यू हम लोगों ने आर ओम की मान ली। अब पॉइंट नंबर वन बच्चों, देखिए जिस भी पॉइंट पर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है ना बच्चों, जिस भी पॉइंट पर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, उस पॉइंट पर हम एक बैटरी लगा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। नाउ ए को हायर मानो या बी को हायर मानो, दैट इज एंटायरली योर कॉल, आपकी मर्जी है बच्चों। तो पहली बात तो जहां पर भी जिस भी दो एंड्स के अक्रॉस हमें निकालना है वहां पर हम एक बैटरी मान सकते हैं अगर मुझे क्वेश्चन में जरूरत होगी। इन केस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप लोग 10 के मल्टीपल्स में मान लेना, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट। रीजन है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना हमारे लिए उतना ही कन्वीनियंट होता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो आपने ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज योर जम्पर, दिस इज नोन एज योर जम्पर। बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो आपको वायर्स में ऐसे दो प्रकार के टाइप्स मिलने वाले हैं, ऐसे एक ऐसी कॉम्बिनेशन दिखाई देगा आपको और एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा दिखाई देगा, एक कॉम्बिनेशन आपको ये दिखाई देने वाला है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस समझो बच्चों, कि
कि देखिए इसमें तो क्या है कि हम लोग जैसे घर में नहीं लगाते बच्चों, वायर है, वायर को कट किया और दोनों वायर को जोड़ दिया, दोनों वायर को जोड़ के टेपिंग कर दी, बेसिकली ये तो वो है, फिजिकल कनेक्शन हो गया है। इसको बोलते हैं हम जम्पर। नाउ दिस इज योर जम्पर। जम्पर का मतलब होता है कि देर इज नो फिजिकल कनेक्शन, यानी एक वायर ईयरी बच्चों, एक वायर ईयरी, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, देर इज नो फिजिकल कनेक्शन, हम इनको हटा सकते हैं, इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया, तो बेसिकली ये आपके पास एक जम्पर दे दिया है। दूसरी चीज, एक ब्रांच को आप कहीं पर भी रीशफल करके चल सकते हो। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करना बच्चों कि जैसे हम लोगों ने अपने घर में नहीं देखते वायर्स के कनेक्शन होते, तो एक वायर को हम कहीं से भी घुमा के लेके जा सकते, कहीं से भी घुमा के लेके जा सकते, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जो भी वायर को आप लेके जा रहे हो ना बच्चों, उस वायर के दोनों टर्मिनल्स जहां पहले थे ना, वही सेम रहने चाहिए। आप वायर की लेंथ को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वायर के दोनों टर्मिनल जिन जिन पॉइंट के साथ थे ना, वो उन्हीं पॉइंट के साथ एसोसिएट रहने चाहिए। अगर एसोसिएट रहेंगे तो आपके सर्किट में, आपके घर की लाइटनिंग में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। हाँ, वायर लंबा छोटा हम कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए बच्चों, सिंस दिस इज लाइव वायर, तो ये भी लाइव वायर है हमारे पास, और हमारा सबसे पहले मेन मोटो तो लाइव वायर को ही सिलेक्ट करना होता है। हमसे बोला गया फाइंड आर ए बी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, फाइंड आर ए बी, ये हमसे बोला गया। तो हमें सबसे पहले ना सर्किट को रीड्रो कर लेना चाहिए, अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो। अब देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए है, क्यों? क्योंकि लाइव वायर है। ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी है, क्योंकि ये भी लाइव वायर है। इसका पोटेंशियल ए मान लिया, इसका पोटेंशियल बी मान लिया। सिंस दिस इज लाइव वायर, तो सभी के सभी ए और बी के बीच में कनेक्टेड। आप देखना ध्यान से, ये वाली ब्रांच को मैंने बी वन बोल दिया बच्चों, ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच को मैंने बी वन का नाम दे दिया। तो ये बी वन देखो कहां से कनेक्टेड है, एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी के साथ कनेक्टेड है। ये वाली ब्रांच देखो बी टू ब्रांच, देखो बी टू ब्रांच भी ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरी ब्रांच बी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको रीड्रो कर सकता हूं। देखना बच्चों, रीड्रो कैसे करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, रीड्रो कैसे करेंगे। ये वाली ब्रांच को मैंने एज इट इज रखा, हैविंग रेजिस्टेंसेस आर एंड आर। अब ये वाली ब्रांच देखो बी वन ए और बी के बीच में कनेक्टेड है ना, ए और बी के बीच में, तो मैंने बी वन को ऐसे कर दिया। देखिए मैंने कनेक्शन को लॉस नहीं किया, कनेक्शन नहीं तोड़े, मैंने कहीं दूसरे पॉइंट के साथ नहीं जोड़ा, अभी भी ये वाली ब्रांच ए पर ही जुड़ी हुई है, ये वाली ब्रांच बी पर ही जुड़ी हुई है। बट जो पहले ऐसे थी, क्रॉस में थी, अब मैंने इसको हटा के ऐसे मोड़ दिया, इसको हटा के ऐसे कर दिया, दैट्स इट, बस इतना सा चेंजेस किया मैं। अब ये वाली ब्रांच देखो बी टू वाली ब्रांच भी कहां लगी हुई है बच्चों, ए इसके साथ ही, और ये वाली ब्रांच तो है ही ऐसे। जल्दी बताइए क्या ये सिंप्लीफाई करना आ गया, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये सिंप्लीफाई करना आया है बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो। देखिए ऐसा है डायग्राम गिवन था, हमने अपने कॉमन सेंस से इसको रीड्रॉ कर दिया और ये अब हम लोगों को समझ में आ गया। जल्दी बताइए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो। और एक बार ही अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो भाई, प्लीज डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स कि बेटा जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। हर्ष, भावना, प्लीज डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स कि बेटा क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सिंपल, चलिए आओ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब अभी हाँ बच्चों जल्दी बताइए क्या ये चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आगे बढ़ते हुए एक और देखो कितना अच्छा केस है, नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, आप परेशान मत होना, बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आ जाओ बच्चों। देखिए अब टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास एक बैठती है बच्चों, ठीक है, अब कुछ भी बात मान लेती है, लेट्स से
ये हमारे पास 20 वोल्ट मान लेते हैं बच्चों, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, ठीक है बच्चों, ये भी 3 ओम मान लेते हैं हम लोग, ये 2 ओम मान लेते हैं बच्चों, ये भी 2 ओम मान लेते हैं बच्चों, और ये 4 ओम मान लेते हैं। लेट्स सी, ये हमसे कोई भी एक सर्किट दे दिया गया, कोई भी, मैं कह रहा हूं कैसा भी बनाओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। हमसे बोला गया फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, बस केवल इस वाली ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना है, केवल इस वाली ब्रांच में। अब एक तो तरीका आपको ये बताया था, जीरो मानो, स्टार्ट हो जाओ, जहां फंस जाए वहां पे एक्स मान लो, एक बार ही फंसो तो एक्स मान लेना, दूसरी बार ही फंसो तो वाई मान लेना, और अप्लाई केवीएल, केवीएल लगा देना और यू विल गेट दी आंसर। केवीएल लगाते ही हमें आंसर मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसको, जो हम इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं, इसके भी हाफ पे सोल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए हमें चाहिए ये वाली ब्रांच में करंट, पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमसे क्वेश्चन इस वाली ब्रांच में पूछा है, तो हमारा जो आंसर रहेगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी सोल्व करने की, वो इसी ब्रांच को लेके रहेगी, ध्यान रखना बच्चों। अब क्या करें सर, सिंपल सी बात यह है कि अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट है बच्चों, कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, ये भी जीरो वोल्ट है, ये भी जीरो वोल्ट है, लाइव वायर है, बट अभी यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे नहीं पहुंच सकता मैं। हाँ, यहाँ पर देखो, ये एक मैंने एक्स मान लिया और यहाँ पर एक मैंने वाई मान लिया, लेकिन जो कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो देखिए ये वाले दोनों रेजिस्टेंस, फिर कल आपको सिखाया था कि जब भी ऐसे रेजिस्टेंसेज आ जाते हैं तो हमेशा बिल्कुल एंड एंड से लेके चलो, बिल्कुल पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट करो। ये देखिए ये दोनों के दोनों कैसे, दीज आर इन सीरीज, तो इन दोनों को सीरीज में हटाओ, सीरीज में लगाओ, 3 and 3, 6 ओम। लेकिन ध्यान क्या रखना है बच्चों आपको, कि ये वाली ब्रांच एक्स और वाई के बीच में लगी होनी चाहिए, तो एक्स और वाई के बीच में ही लगी रहनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं बच्चों, इसको रीड्रॉ करूं, देखो ध्यान से, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज चलेगा, ये 3 और 3 की जगह 6 आ जाएगा, दैट्स इट। तो देखिए क्या हो गया, ये 4 यहां पर लगाया, एक 6 ओम यहाँ पे लगा है हमारे पास, 2 ओम ये हमारे पास लगा है, 3 ओम और ये हमारे पास लगा है 2 ओम। चलिए ये 2 ओम है बच्चों, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है। अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, देखिए ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी एक्स वाई के बीच में लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस भी एक्स वाई के बीच में लगा हुआ है, यानी पोटेंशियल सेम है दोनों का, तो दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R1 R2 by R1 plus R2, तो 3 × 6/9, 18/9 बेसिकली 2, यानी इनको भी हटा के 2 से रिप्लेस कर दो, इनको भी हटा के 2 से रिप्लेस कर दो, तो देखिए अब हमारे पास क्या बना, ये वाला रेजिस्टेंस एज इट इज बना बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस क्या बना बच्चों, 2 ओम, और इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया बच्चों 2 ओम, और ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये 2 ओम। अब ध्यान से देखो, अब ये थोड़ा और इजी बन गया हमारे लिए, अब देखो ये दोनों के दोनों किस में, ये दोनों के दोनों किस में बच्चों, सीरीज में, तो इनको चाहो तो इनको भी हटा सकता हूं, तो देखिए रीड्रॉ करते चले जाओ आप, हमारे लिए बहुत बेसिक सा काम है, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और यहां पर अब एक फाइनली एक बैटरी लगा दी हम लोगों ने 20 वोल्ट। जल्दी बताइए बच्चों, क्या यहां से यहां तक रीड्रॉ करना आया आपको, अगर रीड्रॉ करना आ गया तो हमारे लिए और कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या यहाँ तक समझ में आया, सभी बच्चे डू रिप्लाई मी, क्या यहाँ तक समझ में आया, बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, ओके सृष्टि, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों, तो देखिए अब क्या करना है, हमें तो इस वाली ब्रांच में करंट निकालना था बच्चों, यानी हमें एक चीज समझ में आ गई, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, वही इसमें जाएगा, यानी हमें इसको निकालना है, दैट्स इट। अब देखिए ये 0 तो ये 20, तो ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, यहाँ फंस गए तो एक्स मान लो, यहाँ फंस गए तो एक्स मान लो, अब क्या मानो, एक्स को हायर पोटेंशियल मानो बच्चों, एक्स को हायर पोटेंशियल मानते हो, इधर से I1, इधर से I2 और इधर से I3 करंट को निकाल दो, दैट्स इट। I1, I2, I3 जंक्शन लो लगाइए बच्चों, जंक्शन लो क्या कहता है, I1 plus I2 plus I3 is equal to बच्चों 0, I1 plus I2 plus I3 is equal to 0, इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए x को हायर माना है बच्चों मैंने, तो x minus 20 by 4 plus
एक्स माइनस जीरो बाय टू एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय फोर इज इक्वल टू जीरो। सोल्व फोर एक्स, बच्चे एलसीएम ले लेना है, सोल्व फोर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना। फिर हमारा आंसर क्या होगा सर, जैसे ही एक्स की वैल्यू हमें निकल गई, जैसे ही एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई, हमें तो बेसिकली ये वाला करंट चाहिए ना, दैट करंट इज आई थ्री, दिस इज आई थ्री और ये आई थ्री हमारे पास। एक्स की वैल्यू मान लो कुछ भी आया, लेट्स से इट मे बी एनीथिंग, कोई भी एक नंबर आएगा, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर रखेंगे तो वही हमारे पास करंट आ गया। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई? जल्दी बाय राइटिंग वाई फोर ये सेंड फोर नो, डू रिप्लाई मी बाय राइटिंग वाई फोर ये सेंड फोर नो, क्या ये चीजें समझ में आई? वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड मोक्ष, वेरी गुड भावना, दीपक, वरुण, वेरी गुड गजेंद्र, वेरी गुड रिंकी, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा और एक लेवल को आगे बढ़ाता हूँ, दैट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, समझना। नोट्स में शेयर कर दूंगा, नोट्स की टेंशन मत लेना। अब आप समझते चलो बच्चों, देखिए अब ये जो मेथड मैं करा रहा हूँ ना बच्चों, ये मेथड बहुत केसेस में 98, 99, 100, even 100% केसेस में इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है और ये कन्वीनियंट भी पड़ जाता है बच्चों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से बोला गया, ये देखो ध्यान से सुनो, एग्जांपल बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 10 वोल्ट। आराम से सुनना बच्चों, सोल्व करना कोई इजी नहीं है, कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड फाइंड आई एंड वी, बेसिकली आई बोले तो करंट एंड वी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। कितने रजिस्टर है बच्चों, R1, R2, R3, R4। हमसे बोला गया हर एक रजिस्टर के क्रॉस हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। बच्चों एक तो वो तो वर्सटाइल मेथड है कि जीरो मानो, एक्स मानो, स्टार्ट हो जाओ, आई भी हमें पता लगता चला जाएगा। इन केस अगर अभी तक उस वाले मेथड में एक आध बच्चों को अगर दिक्कतें आई है तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करो बच्चों, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों एक रेजिस्टेंस एक बैटरी होनी चाहिए बस, यानी ये चार रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, हमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन करते हुए इनको एक रेजिस्टेंस में लेके आना है। सिंपल, यानी मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, इसको एक आर इक्विवेलेंट में लेके आना है और एक बैटरी लगी हुई होगी बच्चों। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, वी दिस इज इक्वल टू आई इनटू आर। भैया हमें देखिए एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है बच्चों, वी इक्वल टू आई आर। अगर v equals to ir एक इक्वेशन है तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए सर, यानी दो चीजें हमें पता होंगी। अब वो दोनों चीजें कैसे पता होंगी, विल चेक इट आउट। देखिए अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज बनाओ बच्चों, रीड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखिए इसको एज इट इज बनाओ, ये एज इट इज। नाउ ये दोनों कॉम्बिनेशन, जल्दी बोलिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन S4 सीरीज P4 पैरेलल, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें है सर, ये तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4/2, दो रेजिस्टेंसेज है तो आर बाई एन बोला था, तो 4/2 बेसिकली यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको हल्का सा गोला बना के ना यहाँ पे पी लिख दिया, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, यानी जो ये रेजिस्टेंस बना है ना ये पैरेलल के कॉम्बिनेशन से बना है, बस सिंपली अपनी कन्वीनियंसी के लिए कि मुझे याद रहे। अच्छा उसके बाद ये दोनों हट गए, अब ये वाला रेजिस्टेंस लगाओ, ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 ओम, और ये तीनों के तीनों किसके अक्रॉस लगे हुए बच्चों, एक बैटरी के साथ, एंड दैट बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट। अब देखो ये तीनों के सीरीज में लगे हुए बच्चों, तो सीरीज में नेट इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा 2+2+1, तो इसको रीड्रॉ करो बच्चों, तो ये कितना बन गया बच्चों, दिस इज 5 ओम डिवाइडेड बाय ये 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक, अब देखो हमारा अल्टीमेट गोल ये था ना, R equivalent निकालना है, V पता लग गया, तो R की वैल्यू पता लग गई, V की वैल्यू पता लग गई, क्या नहीं पता,
सर आई, तो आई निकालो, तो आई का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, वी बाय आर, कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। देखो अब यहाँ पर हमें सब चीजें पता लग गई, हमें आर भी पता लग गई, वी भी पता लग गया और आई भी पता लग गया। अब हम ऐसे आए थे ना, ऐसे आए थे हमारी अप्रोच, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए। अब क्या करो, यहाँ पर जाने के बाद ना रिवर्स गियर लगा दो। रिवर्स गियर का मतलब क्या है, जैसे आप गए हो ना वैसे ही वापसी आ जाओ, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर आना है, तो आप यहाँ से यहाँ चलो रिवर्स गियर। अब वो कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। ये देखो कि जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? सर ये इन तीन के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यानी ये रेजिस्टेंस को पकड़ना है कि वो लास्ट वाला रेजिस्टेंस किसके कॉम्बिनेशन से बना है, सीरीज या पैरेलल। अगर सीरीज के कॉम्बिनेशन से बना है तो जल्दी बताइए बच्चों सीरीज में क्या चीज सेम रहती है। राइट आई फॉर करंट वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट वी फॉर वोल्टेज, जल्दी बताइए बच्चों क्या चीज सेम रहती है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या चीज सेम रहती है, आई फॉर करंट वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट वी फॉर वोल्टेज, वेरी गुड। करंट सेम रहता है, और करंट कितना है बच्चों 2 एम्पियर, यानी इस वाली लाइन में करंट 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पर भी करंट 2 एम्पियर जाएगा, और यहाँ पर भी करंट 2 एम्पियर जाएगा। अब देखो ध्यान से, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे आर पता है, मुझे आई पता है, क्या रह गया वी। तो वी वन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वी वन कितना आ गया बच्चों आई इंटू आर, 2 × 2 = 4 वोल्ट। यहाँ पर देखो वी टू, वी टू कितना आ गया बच्चों 2 × 2 = 4 वोल्ट। यहाँ पर देखो बच्चों V3 कितना हो गया बच्चों I into R, बेसिकली कितना हो गया बच्चों V3 2 वोल्ट। V1 plus V2 plus V3 ऐड करके देखो 10 आना चाहिए, अगर 10 आया तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट चल रही है, क्योंकि हमारे पास नेट पोटेंशियल 10 वोल्ट है बच्चों, 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमारे पास नेट पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट है तो 4 + 4 + 2, ठीक है सर। तो हम देखिए R1 के अक्रॉस हमें I और V निकालना था, तो इसके अक्रॉस देखो I कितना है 2 एम्पियर, V कितना है 4 वोल्ट, तो R1 के अक्रॉस I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर और V की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। यहाँ पर देखो R4 के अक्रॉस I की वैल्यू, देखो I की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 एम्पियर और पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों 2 वोल्ट। अब बच गई ये, अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस इसके कॉम्बिनेशन से था, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन था बच्चों पैरेलल, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है बच्चों, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है सर, पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया बच्चों 4 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वही V की वैल्यू यहाँ पर भी 4 वोल्ट आ जाएगी बच्चों, और यहाँ पर भी V की वैल्यू 4 वोल्ट। अब देखो V पता लग गया, R पता लग गया, क्या रह गया I, तो I का फॉर्मूला क्या होता है V बाय R, यानी इसमें भी करंट 1 एम्पियर और इसमें भी करंट 1 एम्पियर, और कायदा भी कहता है बच्चों यहाँ से चला कितना 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर को यहाँ पे दो इक्वल रास्ते मिल गए, देखो ऊपर भी R4 है नीचे भी R4 है, तो सिमिट्री से डिवाइड करेगा, यानी इसका आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा, फिर दोनों यहाँ पर जंक्शन पे 1 ऊपर से आया 1 इधर से आया, तो इसमें वापसी कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, सभी बच्चे बाय राइटिंग Y4 yes and 4 no, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। चलिए अब जब ये सब चीजें समझ में आ गई ना बच्चों, अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट्स शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखनी है बच्चों, दैट्स इट, लर्न द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आ जाओ देखिए अना, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, बोला गया लेट्स से ये 3 ओम, ठीक है ये 6 ओम, देन बच्चों 3 ओम 6 ओम, या एक काम करते हैं इसको 2 मान लेते हैं, 2 ओम 6 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। दीज आर सम रेजिस्टेंसेस, और इसको हमने कैसे लगाया बच्चों, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरीज ऑफ 10 वोल्ट, बैटरीज ऑफ 10 वोल्ट, हमने इनको ऐसे कनेक्ट किया बच्चों, ध्यान से सुनना ऐसे, ठीक। क्वेश्चन ये है फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, तो बहुत सिंपल है बच्चों ये तो,
भैया देखिए ये लाइव वायर दिखाई दे रही है, ये लाइव वायर दिखाई दे रही है, ये एक जंक्शन बना बच्चों J1, ये एक जंक्शन बना बच्चों J2, और ये एक जंक्शन बना J3। अब सिंपली क्या करना, हमें तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे जाना है, सिंपल रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे चले जाना है और जंक्शन पे आने वाला इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला। तो देखो ये 0, ये 10 वोल्ट मान सकता हूँ मैं, लाइव वायर है तो ये 10, ये 10 तो ये भी 10, ध्यान से सुनना बच्चों, ये भी 10 तो ये भी 10, ठीक है, 10 10 10 10 लाइव वायर है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। 0 0 0 0 मानो, अब 0 0 0 0 0 देखो इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस 10 और 0, इसके अक्रॉस 10 और 0, इसके अक्रॉस 10 और 0, यानी हमें सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल पता लग गया। पोटेंशियल पता लग गया तो करंट भी निकाल दो, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर, तो यहां से यहां करंट जा रहा है कितना बचे, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10/2 बेसिकली ये हो गया 5 एम्पियर का करंट। ध्यान से सुनना बच्चों, 5 एम्पियर का करंट राइट की डायरेक्शन में। आ जाओ ये देखो बच्चों, ये कितना है 10, ये कितना है 0, तो हाइयर से लोअर यानी इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कितना जा रहा है बच्चों 10/6, 10/6, तो 10/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/6 को लिख सकता हूँ 5/3, आराम से सुनना बिल्कुल 5/3। अब इस जंक्शन J1 पे देखो बच्चों, जंक्शन J1 पर देखो, इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है सर, इधर से 5 आ रहा है, इधर से 5/3 जा रहा है, तो इधर कितना आएगा बच्चों, जंक्शन पे आने वाला इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला, यानी 5 प्लस 5/3, 5 प्लस 5/3 इस ब्रांच में आएगा बच्चों। अगर इसी वाली ब्रांच में पूछा होता तो यही आंसर आ गया, लेकिन हमसे ऊपर वाली ब्रांच में पूछा है, तो इस वाली ब्रांच में कितना आ गया बच्चों, एलसीएम ले लो 15 और 5 20, 20/3, तो इस वाली ब्रांच में 20/3 का करंट जा रहा है बच्चों। अब इधर देखो, इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है बच्चों, 10 और ये 0, तो 10/3, 10/3, तो ये जंक्शन देखो J2, J2 पे कितना करंट आया बच्चों, नीचे से आ रहा है 20/3, ऊपर से आ रहा है 10/3, दोनों को ऐड कर दो, 10/3 प्लस 20/3 बेसिकली 30/3 बेसिकली 10, तो यहां से जो करंट आया वो 10 एम्पियर आया। आराम से सुनना बच्चों, ये एक ब्रांच है, ब्रांच में करंट सेम रहेगा तो 10 एम्पियर, ये भी 10 एम्पियर। आप देखो यहां पर जब ये 10 एम्पियर का करंट आया तो इस 10 एम्पियर को कितने रास्ते मिले, दो, इसमें तो ऑलरेडी वो जा चुका है 5 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा बच्चों 5 एम्पियर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, जल्दी जल्दी जल्दी, बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, डू रिप्लाई मी एवरीवन, क्या ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो आप लोग, वेरी गुड। चलिए अब असाइनमेंट्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको इन्हीं टाइप से रिलेटेड, तो आप लोग उनको सोल्व करना, जो नहीं होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी चलती है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि उसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, एंड दैट प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर CBSE इज कंसर्न, बट एज फार एज योर नीट एंड JEE इज कंसर्न, तो उसके रिलेटेड आपको रिजल्ट याद रखना है, दैट्स इट, रिजल्ट याद रखते हुए आपको न्यूमेरिकल्स अप्लाई करने हैं। देखिए बच्चों, एक हमारे पास टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में आपको 5 रेजिस्टेंसेस दिखाई दे जाए या 5 कैपेसिटर दिखाई दे जाए, डिट्टो सेम चलने वाला है, 5 रेजिस्टर्स या 5 कैपेसिटर्स, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, विल चेक इट आउट, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये दिखता कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए बहुत सिंपल से बात बताता हूँ, ये ऐसा दिखता है, 5 रेजिस्टेंसेस है बच्चों, तो 5ों के 5ों रेजिस्टेंस कैसे भी कॉम्बिनेशन में आपको मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है बच्चों, ठीक है, दिस इज ए दिस इज बी, प्रूफ मैं करा दूंगा बच्चों, प्रूफ टेंशन मत लेना, R1 R2 R3 R4, ये R5, R1 R2 R3 R4, ये R5,
एक इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखो क्या होती है। मॉडिफिकेशन ये होती है आराम से समझना, आप लोग समझ सकते हो। देखिए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, आराम से सुनना ये क्या चीज है सर। देखिए बच्चों अगर हम थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो ये वायर है बेसिकली आपके पास, यू कैन से एक ब्रांच, ये ब्रांच यहां पर ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये ब्रांच ऐसे लगी हुई है। अब हमने क्या करना है, इस ब्रांच के दोनों एंड्स तो यहां पर रहेंगे फिक्स। क्या मैं इस वाली ब्रांच को यहां पर ऐसे लगा सकता हूँ? बिल्कुल भाई, वायर ही तो है, वायर को मोल्ड कर सकता हूँ मैं, मोल्ड करना मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वायर को मैं मोल्ड कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो वाली टर्मिनल्स थे, ये वाले टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स ऐसे लगे हुए, ठीक है, ऐसे लगे हुए। क्या मैं इन टर्मिनल्स को ऐसे उठा के ऐसे लेके आ सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, मुझे बस इन दोनों के, देखिए जहां पर मेरी उंगलियां, इन उंगलियों के कनेक्शन को नहीं तोड़ना मुझे, इनको बस उठा के यहाँ पे लेके आना है। क्या मैं लेके आ सकता हूँ? जल्दी बताइए, क्या मैं इधर से इधर लेके आ सकता हूँ? अगर लेके आ गए तो ध्यान से देखो, ये वाला सर्किट और वो वाला सर्किट डिटो सेम है, बस मॉडिफिकेशन अलग कर दी, इनको चेंज कर दिया बस, कि रीड्रो कर। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये सारी की सारी वायर्स है, तारे है जो हमारे घर में होती है, इन तारों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकते हो। कंडीशन क्या है कि इनके ये वाले टर्मिनल्स, ये वाले कनेक्शंस नहीं टूटने चाहिए, बस ये नहीं टूटेंगे तो आपका सर्किट जैसा है ना वैसा का वैसा रहेगा। और बहुत बच्चे खेलते भी है घरों में यार, बहुत बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज भी हो जाती है, वो वायर्स वगैरह अपने आप चेंज करते रहते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन, इसमें एक और बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन आने वाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी समझिए। तो अगर ये होता है बच्चों, तो बेसिकली डब्ल्यू एस बी व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इट्स अ बैलेंस, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड हुआ ना हो, बात ये आती है सर हाउ डू वी नो कि बैलेंस होगा नहीं होगा, तो सिंपली बच्चों ये जो रेजिस्टेंसीज है ना आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ये दो रेजिस्टेंसी दिखाई दे रही है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, तो इफ इफ आर वन बाय आर टू का रेशो आर थ्री बाय आर फोर के रेशो के बराबर होगा, या आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, आर वन बाय आर थ्री का रेशो आर टू बाय आर फोर के रेशो के बराबर होगा, या R1 into R2 का प्रोडक्ट R1 into R4 का प्रोडक्ट R3 into R2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मर्जी आपके। देखो मैंने एक ही इक्वेशन लिखी है, उससे ही मैं रीशफल करते जा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, वो ब्रिज बैलेंस्ड है। अब ब्रिज क्या है बेसिकली, ये जो दो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ गया। यानी मैं बोल दूं तो इसको मैं सी मान लूं, इसको मैं डी मान लूं, ध्यान से सुनना, इफ दिस रेशो इज जस्टिफाइड सेटिस्फाइड तो हम बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज अगर बैलेंस हो गया बच्चों, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट डी दोनों सेम होने वाले हैं, तो वी सी इज इक्वल टू वी डी। अब जल्दी बताओ बच्चों, अगर ये पॉइंट सेम आ गया, पोटेंशियल सेम आ गया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कल ही कराया आपको, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको हटा दो, तो रिमूव आर फाइव, रिमूव आर फाइव, रिमूव आर फाइव, आर फाइव को हटा दो, यानी आर फाइव की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मैं रिमूव आर फाइव कर देता हूँ बच्चों, देखिए आर फाइव को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब तो सर्किट क्या बना बच्चों, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में कॉम्बिनेशन पैरेलल, R5 को हटा दो तो R1 R3 सीरीज R2 R4 सीरीज आपस में पैरेलल। जल्दी बताइए क्या बच्चों ये चीजें समझ में आई आपको, जल्दी बाय राइटिंग Y4 ये सेंड फॉर नो, डू रिप्लाई मी बाय राइटिंग Y4 ये सेंड फॉर नो,
क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन समझ में आई? बैलेंस की बात कर रहा हूँ, अभी अनबैलेंस नहीं करना। हालांकि अनबैलेंस के मेथड आपको बता दिए, नोडल एनालिसिस हो ही, जंक्शन लो, एक्स मानो, स्टार्ट हो जाओ। अब एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चों, जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, चलिए आ जाओ। अब आप लोग बताएंगे बच्चों, क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? और आपकी एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न 100% बैलेंस कंडीशन पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। बट आप लोग की नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट के लिए हम लोग अनबैलेंस को भी सिखाएंगे। देखिए हमसे बोला गया, मान लो बच्चों ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पहली बात तो 5 का कॉम्बिनेशन है, 5 का कॉम्बिनेशन देखते दिल खुश हो गया कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, अब बैलेंस है या नहीं है, विल चेक इट आउट। तो इन दोनों का रेशियो देखो बच्चों, इन दोनों का रेशियो जल्दी बोलो, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया सर? 2/4। इन दोनों का रेशियो देखो भाई, 3/6। तो ये 1/2 पर गया, ये भी 1/2 पर गया। हाँ तो ये तो बैलेंस आ गया, बैलेंस हो गया। तो बच्चों इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब बोलो क्या बनेगा? बैलेंस है बच्चों, बराबर है। तो 3 और 2 5, 5 सीरीज में, 4 और 6 10 पैरेलल में, ये बन गया अब हमारे पास। जल्दी बोलो आंसर कितना आया बच्चों? 10 × 5/15 यानी 10/3। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई? सिंपली अगर 5 कॉम्बिनेशन 5 रेजिस्टेंसेस के आ जाते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि भैया हमें क्या आना चाहिए बच्चों, हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या मेरे पास वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। और बैलेंस के याद करने का तरीका क्या बच्चों? R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के बराबर होगा तो बैलेंस। अगर बैलेंस हुआ तो जो 5वां रेजिस्टेंस था उसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम आ जाएगा। पोटेंशियल सेम आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी उस रेजिस्टेंस का ब्रांच में होने का कोई फायदा नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं सिंपली। तो बच्चों बताइए आज का लेक्चर आपको समझ में आया क्या? अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप, ठीक है ना। और कल हम लोग बात करेंगे इसी में, आर इक्विवेलेंट निकालने ही सीखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स की बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिमेट्री। एंड कल का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिमेट्री मेथड आ गया ना, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सिमेट्री का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं आपको, छोटा सा ट्रेलर आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रेलर देखिए, जंपर वाला क्वेश्चन याद है? जंपर वाला क्वेश्चन ऐसे कर लो, जंपर वाला क्वेश्चन देखो। चलिए मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसको ट्राई करके देखो। अब आप ट्राई दिस आउट, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, सभी रेजिस्टेंसेस आर ओ। आप ध्यान से सुना, जंपर नहीं है ये पॉइंट है। अब इसको ट्राई करना, आपके प्राण निकल जाएंगे सोल्व करते हुए। हाँ जिस बच्चे ने पढ़ लिया होगा उसके लिए एक अलग बात है, उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है ये, बट जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आने वाला। ट्राई करके देख लो, यू विल गेट द आंसर। चले गाइस, तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।